प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देगलूर शहर में नांदेड़ जिला कलेक्टर के हाथों घरकुल स्कीम का आगाज किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देगलूर में अपने हक का घर हासिल करने के लिए घरकुल स्कीम के फॉर्म नगर परिषद की जानिब से जिला कलेक्टर के हाथों तकसीम किए गए। पिछले दिनों नगर परिषद और तमाम काउंसिल की जानिब से एक दिन के लिए रखी गई स्कीम, जिसमें लड़की की पैदाइश पर 11,000 रुपये देने का ऐलान नगर अध्यक्ष मुगला जहन्ना शीर्षकवार की जानिब से किया गया था, उस स्कीम की रकम भी इसी प्रोग्राम में लड़की के सरपरस्तों के हवाले की गई। जिला कलेक्टर मिस्टर अरुण डोंगरे सर का इस्तकबाल नगर अध्यक्ष मुगलाजी अन्ना शीर्षटवार ने फूल शाल और सम्मान चिन्ह देकर किया, तो वहीं मुगलाजी अन्ना शीर्षटवार को नगर अध्यक्ष का ओहदा संभाल कर कामयाबी के साथ एक साल मुकम्मल करने पर जिला कलेक्टर के हाथों उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया। मुगलाजी अन्ना को नगर अध्यक्ष का ओहदा संभाल कर और पूरी काउंसिल को इख्तदार हासिल करके एक साल मुकम्मल होने पर उर्दू मीडिया की जानिब से उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया। ऐकता ऍक्च्युअल जे गोरगरीब आहेत
इग्नोरंट मध्ये जेवढे गुन्हेगारी आहे त्यासाठी हा लाभ त्याला मिळणार आहे। खरे या ठिकाणी आता आमचे प्रशांत तासड म्हणल्याप्रमाणे माताला जर घर भेटत नसेल त्यासाठी आता मी जिल्हाधिकारी साहेबांना चर्चा केली आणि लवकरात लवकर ते निर्णय घेणार आहेत आणि आपल्याला आजपासून एक महिनापर्यंत फॉर्म भरण्याची तारीख आहे आणि आपल्याला ज्या ठिकाणी पती वारले असेल त्या लोकांना आपल्याला मृत्यू प्रमाणपत्र लावून फॉर्म भरता येते। ज्या लोकांना आपले रेल्वे शहरात जीवकाले असेल नारायण रोड असेल आमचे इकडे सगळे आपले इनामी जमीन आहे सर या ठिकाणी त्या लोकांचं नगरपालिकेत नोंद आहे पण त्या लोकांना आपण नमुनामा 43 आणि मालकी देत नाही। आम्ही सर्वे केलेला असताना त्यांना घर नंबर आहे त्या सर्व लोकांना आपण नळ उघडे सर्व लोकांना दिलेले आहे त्यासाठी त्यांचा घटक क्रमांक 3 नुसार आपल्या सर्वांना फॉर्म भरता येतो आणि ज्या ठिकाणी वाल्मिक नगर असेल त्या ठिकाणी आरक्षित जागा आहे पण त्या ठिकाणी पूर्ण पक्के सर्व गोर गरीब लोक पक्के घरे बांधलेले आहेत त्या लोकांना सुद्धा पूर्ण रेल्वे नगरपालिकेच्या सर्वेमध्ये त्या सर्वांचं नाव आलेलं आहे ते लोक सुद्धा या स्कीम पासून वंचित राहणार नाही हे आम्ही सर्व आमचे सन्माननीय नगरसेवक आणि सन्माननीय आमचे सर्व टीम सर्व आपण प्रयत्न करणार आहोत या ठिकाणी आमच्या नगरपालिकेचं ऑफिस उभं करून बऱ्याच लोकांचं ऑर्डर काढलेलं आहे जेणेकरून देगलूर शहराच्या लोकांना त्रास होणार नाही प्रत्येक लोकांना माहिती व्यवस्थित आमचे नगरपालिकेचे लोक सांगणार आहेत बसलेले आहे सगळ्या माहिती आहे त्यावर आपण या योजनेमधून 4 कोटी रुपयाचा निधी हा देगलूर मिळालेला आहे त्यामध्ये चांगले कामं भविष्यात विकासाची कामं करावे जेणेकरून तिथला हानिमान जे आहे म्हणून इंडेक्स जो आहे तो वाढेल आणि प्रत्येक तिथं प्रत्येक गंदी असेल प्रत्येक भाग जो आहे हा भाग एक चांगला दिसेल चांगल्या प्रकारचा तिथे सोयी सुविधा होईल अशा प्रकारे आशा व्यक्त करतोय। इथे आपण सगळ्यांनी मला बोलावलं मला सन्मान सन्मान केला त्या सगळ्यांचा आभार मानतो। पुन्हा एकदा सगळ्या नगराध्यक्ष सगळे नगरसेवक याला शुभेच्छा देतो की पुढील 5 वर्ष असेच चांगलं काम यांच्याकडून घडव आणि पुढच्या 5 वर्षामध्ये जेव्हा लोक बघतील की नाही इथे सगळं चांगलं काम झालंय हीच टीम पुन्हा रिपीट करण्या मागे लोकांचा सुद्धा महत्व व्हावा एवढी शुभेच्छा ठिकाणी देतो। आपण सगळ्यांना चांगले खेळ मिळतो पक्के खेळ मिळू एवढीच आशा बाळगतो इथेच थांबतो जय हिंद जय महाराजांना सिसाळ साहेब नगराध्यक्ष देगलूर नगर परिषद और उनकी पूरी टीम उपाध्यक्ष है बांधकाम सभापति है आरोग्य सभापति है शिक्षण सभापति है पानी पोटा सभापति होगी जो भी पदाधिकारी है सदस्य है इन्होंने एक साल में बहुत कड़ी मेहनत लेके कि पूरे जो भी कुछ आश्वासन इन्होंने इलेक्शन के दौरान दिए थे उनकी वचन पूर्ति करने के माध्यम से एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया उसमें इस कार्यक्रम में उन्होंने प्लस हाउसिंग फॉर ऑल सबको खड़े सबको घर मिलना चाहिए ये केंद्र शासन की और राज्य शासन की जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया है। मैं इस पूरी टीम को मुख्याधिकारी साहब ने उसे बहुत इंटरेस्ट लिया है सब टीम को शुभकामनाएं देता हूँ और अगले साल ऐसा काम और पूरे 5 साल में बहुत अच्छा काम इनसे हो और पूरी जितनी भी समस्या है तो समस्या का निवारण हो करेंगे ऐसे मुझे आशा है। थैंक यू थैंक यू आज आशीष शुरुआत है आशीष शुरुआत है जितने भी गुरु गरीब लोग आए थे शहर में उनके वास्ते ये शुभारंभ तो आपने दूसरा ये भी किया है कि जो कन्या रत्न पैदा उनके अकाउंट में क्या राजा नगर पालिका से जो 1 तारीख की 1 जनवरी को जो 2018 को जो पैदा लड़कियाँ हुई उनके वास्ते और नगर पालिका की ओर से 11,000 रुपया कितनी माताओं को 3 माताओं को और क्या क्या नई कल्पना है शहर को और अच्छा और बेंगलुरु में अभी गांधी पुतला का सुशोभीकरण करने का
और या देगलूर शहर में बहुत समाज और पातन समाज इनका आज तक सात बार आज तक नहीं हुआ अच्छा होने का। उसके वास्ते अपन नगरपालिका ठहराव लेके उनके नाम पे पातन समाज और सात बार बना के वहाँ के दलित वस्ती के इसमें वहाँ वेटिंग हॉल शिविर करने का और जितने मुस्लिमों के लिए अभी शमशान भूमि है वो कम गिर रहा है। उसके वास्ते रास्ता बरबर नहीं है, हमारे भाई मुस्लिम भाई उनके रात नहीं दे रहे, रोड नहीं दे रहे, एक लाइन से समझो एक रास्ता और एक लाइन से अपने ये करते थे तो अच्छा रहता था, पूरा वो पूरा भर गया। उसके वास्ते अब नया साल के इसमें उनका नया जगह आरक्षित कर लिया। आपने एक दूसरी योजना का भी आगाज किया है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसलिए आपके वो कंक्रीट लिंगन के लोग जो है 75 एकड़ जमीन है वो अपन हस्तांतरित करे से, इसके वास्ते अपन 25 करोड़ की मांगी कर से, अभी 5 करोड़ को गाँव निकलने के वास्ते 5 करोड़ मंजूर होने वाले हैं। जैसा चाकूत आपने तेलंगाना और कर्नाटक देगलूर बाउंड्री पे, इसके वास्ते देगलूर नांदेड़ जिले में पर्यटन स्थल होता ही नहीं, उसके वास्ते आप जैसा लातूर जिले में चाकूर है वैसा अपने को लिंगन किलोर में चाकू जैसा है वैसा करने का। देगलूर शहर में अपने को स्विमिंग पूल नहीं है, वहाँ स्विमिंग पूल बनाने का। देगलूर शहर में बोटिंग वास्ते वहाँ बोटिंग करने का, और जो देगलूर शहर में लेडीज और उसका अपने जेंट्स को वास्ते व्यायामशाला नहीं, व्यायामशाला बनाने का। यानी कि वहाँ तो लोग हर संडे को देगलूर शहर में वहाँ हारमोनियम के वास्ते देगलूर शहर में पैसा ही नहीं पड़ता, उसके वास्ते वहाँ पर उपाय होना करना है। शहर को सुरक्षित बनाने के अपने सीसीटीवी कैमरे, हाँ देगलूर शहर में 76 अपन सीसी कैमरे बना लें, जिन्हें जितने भी रास्ते तेलंगाना से आएंगे वहाँ जितने भी अपने रास्ते अंदर गांव में या देगलूर शहर में आएंगे उत्तर पूरे एरिए में और जितने चौक है गांजा चौक है ऐसे देगलूर शहर में 76 सीसी कैमरे। नगर अध्यक्ष साहब, एक साल में तो आपने वो काम कर दिया जो पिछले 10 सालों में नहीं हुए थे, लेकिन आने वाले दूसरे साल में नगर पालिका के थ्रू सेहत के लिए कोई देगलूर में दूसरा और एक दवाखाने की ब्रांच या नया दवाखाना उसकी स्थापना के लिए आप कहाँ तक कोशिश करेंगे? सर अभी देगलूर नगर पालिका में अपना देगलूर अपना अभी जो आमदार है अपना अभी अपना देगलूर कांग्रेस का आमदार जेल अभी 2019 में देगलूर का कांग्रेस के आमदार आएगा। जब अपन देगलूर शहर के वास्ते अभी 50 कॉट के वास्ते है देगलूर के, अपन 200 कॉट के वास्ते अपन प्रयत्न करने वाले देगलूर शहर में, जिन्हें को पूरा अपने हर कॉट जो सरकारी हॉस्पिटल रहेगा उसमें ICU वगैरह सब रहेगा, जिन्हें से नांदेड़ को जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसा कि देगलूर शहर बढ़ रहा है और उसके लिए छोटे छोटे जो दवाखाने हैं गवर्नमेंट के या नगर पालिका के थ्रू अपने जो स्लम एरिया है उसमें भी, उसका आपका क्या नियोजन है? दवाखाने हर जगह पे दवाखाने हैं ना, उसके आपसे क्या नगर पालिका के थ्रू सरकारी दवाखाना या नगर पालिका के दवाखाने की कोई ब्रांच दूसरे एरिया में, जैसा लोगों को परेशानी ना हो दूर जाके? ऐसा नया पुराने नगर पालिका में नगर पालिका से अपन दवाखाना चालू करने वाले, जिन्हें अभी उसके उसमें डॉक्टर्स वगैरह भर्ती करना नर्स कम है वहाँ पे अपन नया सब डॉक्टर नर्स भर्ती करके जितने भी अपने गोर गरीब होगा वहाँ पर लोगों को सोई होना 24 घंटे के वास्ते सोई होना उसका दवाखाने का अपना शुभारम्भ करने वाले। ठीक है, एक साल जो आपका गया तो आज जो आपका सम्मान किया गया तो आपको आज कैसा लगा? जब मैं उस देगलूर की जनता ने मेरे को जो विश्वास करे तो वो विश्वास को मैं 5 साल उनके विश्वासघात नहीं करूँ, उसके वास्ते उनके अच्छे के वास्ते अपन देगलूर शहर के जनता के वास्ते अपन दिन रात एक करके मेहनत कर लें, मैंने क्यों ना हमारे लोग जो कच्चे घर में हैं पक्के घर करने का प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ। कलेक्टर साहब ने आपको अगले 5 साल के लिए शुभकामनाएं दी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कलेक्टर साहब ने मेरे ऊपर हमेशा उनका शुभकामना है और उनका आशीर्वाद से मैं इतने जो योजना है उनके आशीर्वाद से वैसे जिन्हें को नांदेड़ जिले में सबसे ज़्यादा ध्यान उनके देवी नगर के अंतर्गत देखवास अभियान अंतर्गत जो जानना
एक जानेवारीच्या दिवशी म्हणजे 31 जानेवारीच्या रात्री 12 नंतर 1 रात्री 12 ज्यांना मुलगी जन्माला येईल त्यांना 11,000 रुपयाचं बक्षीस देगलूर नगर परिषदेच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलं होतं. आणि असा निर्णय आमचे अध्यक्ष आदरणीय मुंडाजींना शिक्षकवर्यांनी घेतला होता. या दिवशी आम्हाला कन्यारत्न झाली हे आम्हाला गर्व आहे. आणि लेख वाचवा लेख शिकवा लेखीला शिकवा असं हे संदेश देण्यासाठी आम्ही हा 11,000 चेक आमच्या वार्डातील गोरगरीब जे आहेत जे निराधार आहेत अशा कुटुंबाला आम्ही हे 11,000 रुपये आम्ही त्यांना मदत म्हणून देणार आहोत.